बच्चा गोद लेने के कुछ नियम होते हैं, जैसे आप भारत में किसी भी जगह पर बच्चा गोद ले सकते हो, परंतु बच्चा गोद लेने वाले पेरेंट्स की इंक्वायरी उसी राज्य की एजेंसी करेगी जहाँ पर आप रहते हो। साथ ही अगर कोई पेरेंट्स बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो पेरेंट्स में और बच्चे में लगभग 21 साल का अंतर होना चाहिए, या फिर वैसे पेरेंट्स जो 90 साल से कम के एज के हैं वो भी बच्चा गोद ले सकते हैं। साथ ही अगर कोई नए कपल है जिनकी शादी हुई है वो अगर बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उनका शादी होने के बाद 2 साल पूरे होने चाहिए तब जाके वो बच्चा गोद ले सकते हैं। और अगर कोई पेरेंट्स जो कि किसी भी जाति या धर्म के हो, या फिर जो भारतीय है लेकिन विदेश में रहते हैं, या फिर कोई विदेशी अगर बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो वे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत एक बच्चा गोद ले सकते हैं। ये थे बच्चे के गोद लेने के कुछ नियम। अभी बच्चा गोद कौन ले सकता है? जैसे एक अकेली महिला बच्चा या बच्ची गोद ले सकती है, परंतु एक अकेला इंसान बच्चे को गोद नहीं ले सकता। साथ ही जो विकलांग होते हैं वो भी अपनी क्षमता के साथ बच्चे को गोद ले सकते हैं। यहाँ पर जो गे या लेस्बियन होते हैं वो भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन सिंगल पेरेंट्स के तौर पे नहीं, फैमिली के तौर पे वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। और अगर कोई पेरेंट्स जिनके 2 या 3 से अधिक बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो बच्चे गोद नहीं ले सकते हैं, परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थिति में वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। ये थोड़े भारतीय कानून के रूल्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर।